तुषार और रुबीना वाला स्टंट देखा और मुझे बहुत जेलसी फील हुई। तुषार और रुबीना वाला स्टंट देखा और मुझे बहुत जेलसी फील हुई। क्या कहना चाहोगे, जन्नत का बर्थडे काफी अमेजिंग जर्नी है खतरों के खिलाड़ी, आप क्या कहना चाहोगे उस जर्नी को और किस तरह से विश करना चाहिए? यही विश करना चाहूँगी, उसके लिए विश करने की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो मेरे ख्याल से वो जो भी चाहेगी वो अचीव करेगी लाइफ में और हम बैठ के उसे चीयर करेंगे। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच बिकॉज आई एम श्योर हर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, आई एम वेरी श्योर। खतरों के खिलाड़ी जर्नी काफ़ी क्लोजली आपने देखी, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू रियली लव अबाउट हर इन खतरों के खिलाड़ी? आई एवरी थिंग देयर इज अबाउट हर इज़ वर्थ लविंग, पर बहुत ड्रिवन है, बहुत जितनी वो बच्ची है उतनी ही वो समझदार है और फन लविंग है, ऐसा भी नहीं कि मतलब इट्स ऑलवेज नाइस टू बी अराउंड हर। इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टंट्स हुआ, आने वाले समय में क्या कुछ स्टंट्स होने वाले हैं इंटरेस्टिंग? अरे मैं तो एलिमिनेट हो गई, मुझे तो पता ही नहीं है। हमें पता है इस वीक काफी, आप बताइए कुछ क्लोज आपका फॉलो कोई? अभी नेक्स्ट वीक, ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, मैंने अभी जितना भी देखा मैंने पूरा एपिसोड अभी मैं नहीं देख पाई हूँ, मैंने तुषार और रुबीना वाला स्टंट देखा और मुझे बहुत जेलसी फील हुई क्योंकि बहुत ब्लॉकबस्टर वीक था तो बहुत ग्रैंड स्टंट्स थे, तो आई विश कि मैं रह पाती शो पे और कर पाती, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया। झलक भी आने वाला, रुबीना जी जाने वाली है, ऑफकोर्स काफी सारे आपको ना देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हुए फैंस, इसके लिए क्या कहना चाहोगी? कोई नहीं, कोई और साल होगा, इस बार मेरे दोस्त हैं तो इस बार मैं चीयर करूंगी उनको, फिर मौका मिलेगा कि फिर करेंगे। आपको देख पाएंगे? नहीं, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट हैपनिंग। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? नॉट राइट नाउ, अपकमिंग प्रोजेक्ट इज जन्नत्स बर्थडे, लेट्स गो सेलिब्रेट। थैंक यू गाइस।